इस वीडियो में हम लोग ने नई स्ट्रेटजी निकाली है, तो कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं इस वीडियो में, तो आप लोगों को बता देंगे भी कौन कौन से इंडिकेटर्स लगे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी होती हैं, जब हम यहाँ डालते हैं तो भाई जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ वर्क कर रही है, तो वो मोस्टली वो फिक्स कर देते हैं, वो वाला बग होता है या कोई इशू होता है। इंग्लिस भी ऐड की हैं, कई बंदों को हिंदी समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स भी ऐड की हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है भाई, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने ऊपर एक लेवल ड्रॉ किया था SNR लेवल। आपको भी ट्रेड लेने से पहले एक लेवल ड्रॉ करना है कि मार्केट किस लेवल पे स्टक हो रहा है या कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। हर बार कभी भी आप ट्रेड लो तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर ड्रॉ किया करो, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। तो जिगजैग का ये काम होता है कि जिगजैग हमें इंडिकेट करता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है और कहाँ पर मार्केट जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी जिगजैग डाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो मार्केट डाउन को जाएगा। तो जिगजैग का ये काम होता है भाई। और मूविंग एवरेज के मतलब ये होते हैं कि अगर तो ऊपर रहता है मूविंग एवरेज से मार्केट, तो ऊपर रहता है तो ग्रीन कैंडल्स बनने के चांसेस होते हैं, अगर डाउन रहता है तो रेड कैंडल्स बनने के चांसेस होते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल को ऊपर पुश किया जा रहा है, रेड कैंडल्स नीचे बड़ी बड़ी शैडोज छोड़ रही हैं, तो मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रही है कैंडल। तो हमने लेवल ड्रॉ किया था उसी लेवल से, देखो मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड्स और प्लेस कर दूँगा क्योंकि मुझे प्लेसिंग मिल रही है, और हमारा एनालिसिस भी ये कह रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने कुछ ट्रेड्स और प्लेस कर दी भाई। ज़रूरी काम करना है SNR लेवल सबसे पहले ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा अगर यहाँ तक आएगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो भाई चांसेस होते हैं ऊपर जाने के लेवल को, तो अगर मार्केट रिवर्सल मतलब टच करके रिवर्स ले लेता है वहाँ से, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि एक रेड कैंडल क्रिएट होगा और मार्केट नीचे को जाएगा। कोई भी लेवल हो वहाँ से मार्केट एक बार तो रिवर्स लेते ही लेता है, जहाँ जो भी हमारा लेवल होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक एरर आ जाएगा, दो आ जाएगा, बट रिवर्सल ज़रूर होता है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी शैडोज क्रिएट कर रहा है मार्केट। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो भाई नीचे भी जा सकता है, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर भी जा सकता है मार्केट। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो डाउनवर्ड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट तो मेरे हिसाब से यहाँ से डाउन ही जाएगा, लग तो मुझे यही रहा है, क्योंकि कैंडल ने उसे ब्रेक कर दिया है सारे लेवल्स को। तो ज़रा वेट करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है अगर। तो मैंने यहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि आप लोगों को भी अगर आप लोग डबल माइंडेड हो तो आपको ट्रेड मतलब मत लिया करो वहाँ पर, क्योंकि पिछले लेवल पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था और यहाँ पर इस लेवल ने भी ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, क्योंकि भाई लेवल नीचे बहुत ज़्यादा तकड़ा सपोर्ट है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा, इसीलिए मार्केट ऊपर चला गया, एक ग्रीन कैंडल बड़ा क्रिएट हो गया है। अब मार्केट हमारे लेवल के पास पहुंच चुका है भाई, जो हमने लेवल ड्रॉ किया था, तो यहाँ से एक बार ज़रूर रिवर्सल लेगा मार्केट, जो
मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मार्केट हमेशा जहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेते ही लेता है। तो ये देखो भाई, वहीं उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया ना जहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ किया था। तो अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करोगे तो भाई आप बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कई बार एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है और बीच में एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोनली कैंडल भी कह देते हैं, जहाँ ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाती है डाउन ट्रेंड में। तो वो इन्हीं लेवल्स की वजह से क्रिएट होती हैं, क्योंकि हम लोग लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो ड्रॉ नहीं करते। तो यहाँ से भाई मैंने डाउन के लिए लगाई ट्रेड, क्योंकि रिवर्सल लेके आ गया मार्केट ऊपर से, तो मुझे लग रहा है कि डाउन जाएगा अब। तो मैंने थोड़ी और ट्रेड्स प्लेस कर दी हैं, क्यों जैसे ही मार्केट में थोड़ा ऊपर गया तो मुझे लग रहा था कि प्लेसिंग अच्छी मिल रही है, तो मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस की। तो लेट्स सी भाई क्या रहता है ट्रेड का। तो भाई मार्केट अब फिर हमारे उसी लेवल के पास पहुंच चुका है। तो देखो भाई वहां से कितना बड़ा फिर रिवर्सल लेने वाला था मार्केट मार्केट तो यहां से मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा, क्योंकि हमारा जैसे लेवल ड्रॉ किया होता हमने पूरा एनालाइज करके ही ड्रॉ किया था लेवल को। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट को नीचे को पुश करने के लिए, तो मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा भाई। एक दो बार तो भाई मार्केट अगर सेम पॉइंट पे एक दो बार टकराता है तो रिवर्सल लेते ही लेता है, अगर हो सकता है कि चार पांच बार टकराने लग जाए तो भाई हो सकता है कि वो पॉइंट वीक हो जाता है और उसके बाद उसको ब्रेक करके मार्केट आगे निकल जाता है। तो दो तीन बार आप एक पॉइंट पे दो से तीन बार ही ट्रेड लो, मेरे हिसाब से दो बार ही लो ट्रेड, एक अगर एक लेवल ड्रॉ किया है उसी लेवल पर दो बार ही ट्रेड लो, उसके बाद एक नया लेवल ढूंढो, क्योंकि वो लेवल उसके बाद वीक हो जाता है भाई। अगर हम एक चीज़ को बार बार हिट करते रहेंगे तो वो चीज़ वीक हो जाती है, तो बाद में फिर भाई ट्रेड लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड और लूँगा भाई डाउन के लिए, क्योंकि अभी मार्केट ने हमारे लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ से मैं डाउन के लिए जाऊँगा फिर। तो यहाँ पर हमने ट्रेड्स लगा दी थी, काफ़ी ट्रेड्स मल्टीपल ट्रेड्स हमने यहाँ पर ओपन कर दी हैं, तो क्योंकि हमें पूरा ट्रस्ट है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, क्योंकि एक छोटा ग्रीन कैंडल भी क्रिएट हुआ है। जब भी छोटे छोटे कैंडल्स ड्रॉ होने लग जाएं, अगर डाउन ट्रेंड है तो अगर डाउन ट्रेंड में छोटे रेड कैंडल्स ड्रॉ हो रहे हैं तो समझ लेना कि मार्केट अप जाने वाला है, अगर ऊपर अपर ट्रेंड में ड्रॉ होते हैं तो समझ लो कि मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी हैमर क्रिएट होता है तो मार्केट के रिवर्सल लेने के चांसेस होते हैं भाई। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अमाउंट। ठीक है, तो एनालिसिस हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। तो ट्रेड हो गई है विन हमारी भाई, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो। तो कुछ ट्रेड्स और लेंगे, बैलेंस को थोड़ा बहुत और ग्रो करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर 16th पोजीशन है लीडर बोर्ड पे, तो आप चेक कर सकते हो भाई। अगर आप लोगों को ऐसी श्योर हमने लेवल ड्रॉ किए हैं एक फिर, तो लेवल को ये हमने लेवल ड्रॉ किया है एक, जैसे कि हम हर बार करते हैं ट्रेड लेने से पहले एक लेवल ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं भाई। तो यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है कि नहीं लेता मार्केट देखते हैं भाई, अप के लिए जाएंगे।